हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने लगे एचटीएमएल लिस्ट के बारे में। एचटीएमएल लिस्ट सीखने से पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि एचटीएमएल लिस्ट कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप लोग वेबसाइट में कोई जो भी वेब पेज आप लोग क्रिएट कर रहे हैं उसमें अगर आप लोग आर्टिकल क्रिएट कर रहे हैं तो आर्टिकल में जो आप लोगों को पॉइंट या उसके सब पॉइंट आप लोगों को अगर शो करना है तो वहां पे हम लोग एचटीएमएल लिस्ट यूज करते हैं। साथ में अगर आप लोग कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने पुणे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन किया, इस पुणे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो होम है, उसके बाद में अबाउट द यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे जो आप लोग ये मेनू बार शो हो रहा है इसे नेविगेशन मेनू कहा जाता है। तो यहाँ पे जो नेविगेशन मेनू है अगर आप लोगों को क्रिएट करना है तो आप लोगों को एचटीएमएल लिस्ट यूज करना पड़ता है। साथ में अगर आप लोग कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उस वेबसाइट में आप लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट शो करना पड़ता है। तो उस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल अगर आप लोगों को पॉइंट वाइज शो करना है तो वहां पे भी हम लोग एचटीएमएल लिस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट पे आप लोग यहाँ पे एचटीएमएल लिस्ट यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एचटीएमएल लिस्ट कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट इज एचटीएमएल लिस्ट? द एचटीएमएल लिस्ट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑल लिस्ट मे कंटेन वन और मोर लिस्ट एलिमेंट। देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचटीएमएल लिस्ट। फर्स्ट वन इज ऑर्डर लिस्ट, सेकंड वन इज अनऑर्डर लिस्ट, थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे आप लोग फर्स्ट वन ऑर्डर लिस्ट है, सेकंड वन यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग अलग अलग एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। इसके रिलेटेड अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगा तो उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। और जो आज की इस वीडियो में सिर्फ आप लोग ऑर्डर है, अनऑर्डर है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में आज एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा। साथ में इसके अंदर हम लोग कौन से टैग यूज करने लें, जैसे ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग ओएल टैग यूज करेंगे, उसके अंदर लिस्ट जो हम लोगों को शो करना है उसके लिए हम लोग एलआई टैग यूज करेंगे। थर्ड वन यहाँ पे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट यूएल टैग यूज करेंगे। साथ में अगर आप लोगों को जैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट दिखाना है तो वहाँ पे डीएल टैग यूज करेंगे, उसके अंदर डीएल टैग में आप लोग कोई टर्म वहाँ पे शो करना है, कोई पॉइंट शो करना है तो वहाँ पे हम लोग डीटी टैग यूज करेंगे, और उसी डीटी टैग का जो डेफिनेशन आप लोगों को शो करना है तो वहाँ पे हम लोग डीटी टैग यूज करेंगे। तो यहाँ पे आज के वीडियो में जैसे थ्री पॉइंट है, थ्री पॉइंट का हर एक अलग अलग एग्जाम्पल आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना और वहां पे ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कुछ नई वीडियो अपलोड कर दूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग नोटपैड प्लस प्लस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एन करेंगे, हम लोग को न्यू पेज चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कंट्रोल वी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है, इसके रिलेटेड वीडियो बनाई गई है। यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पे जाके आप लोग देख लेना। और जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एचटीएमएल का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हूँ। उसके बाद में जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग में हम लोग फर्स्ट यहाँ पे जो एचटीएमएल लिस्ट का फर्स्ट टैग है यहाँ पे इसे यूज करेंगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट टैग ओपन करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक टैग ओपन करेंगे H2, और H2 टैग में हम लोग टाइप करेंगे जैसे सिटी नेम। तो यहाँ पे हम लोग सिटी नेम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में यहाँ पे जो भी H2 टैग ओपन किया इसे क्लोज करना है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन के स्लैश दे दो और यहाँ पे H2 टाइप कर दो, उसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे आप लोगों को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद तो एचटीएमएल लिस्ट का फर्स्ट हम लोगों का टाइप है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट हम लोगों को यहाँ पे ओएल टैग यूज करना है, जैसे ओएल टैग आप लोगों को यूज करना है। ओएल टैग में जैसे आपने ओपन किए, ओपन करने के बाद में इस टैग को हम लोगों को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे हम लोग इसके अंदर जैसे ओएल टैग ओपन किए, उसके बाद में ओएल टैग क्लोज किए। क्लोज करने के बाद में ओएल टैग के बीच में आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट शो करना है। लिस्ट शो करने के लिए हम लोग एलआई टैग यूज करेंगे, और एलआई टैग में जैसे एलआई टैग ओपन किए उसके बाद में यहाँ पे हम लोग उसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए यहाँ पे फिर से मतलब एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है, स्लैश देना है, जो टैग का हम लोग नेम देते हैं एलआई टैग नेम दे दो, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग उसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में जो लिस्ट एलआई टैग हम लोग लिस्ट के लिए यूज कर रहे थे यहाँ पे से हम लोग कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद एंटर करके पेस्ट कर, फिर से एंटर करके पेस्ट कर दो। तो फर्स्ट में हम लोग जो एक नेम दे देंगे, जैसे हम लोग सिटी नेम दे देंगे पुणे, जैसे पुणे नेम दिए। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड लिस्ट आइटम में हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे मुंबई, यहाँ पे मुंबई एलिमेंट दिए। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे जैसे दिल्ली। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी डेटा चाहिए आप लोग वहाँ पे उसे टाइप कर सकते हो। अब ये देने के बाद में हम लोग इस फाइल को सेव करेंगे, कंट्रोल एस कर देना। कंट्रोल एस करने के बाद में जिस लोकेशन पे आप लोगों को फाइल सेव करना है उसका लोकेशन पहले सेट कर दो, जैसे डी ड्राइव में बेसिक एस्टीमेट इसी मुझे मैं फाइल सेव करना है। तो यहाँ पे फाइल नेम में मैं नाम दे दूंगा लिस्ट, और डॉट एचटीएमएल ये मेरा एक्सटेंशन है। जब भी आप लोग फाइल क्रिएट करेंगे आप लोगों को एक्सटेंशन देना कंपलसरी है। तो एक्सटेंशन देने के बाद में यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में इस फाइल को हम लोग रन करना है। रन करने के लिए फंक्शन की F5 बटन प्रेस कर दो। F5 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक कर देना। जिस लोकेशन पे आप लोगों ने जो फाइल सेव की है उस फाइल को आप लोगों को यहाँ पे ओपन करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल इसी फोल्डर में, तो यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूटेड फाइल की जगह पे ऑल फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे लिस्ट ये हम लोग फाइल का नेम इस पे क्लिक करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे।
सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, और रन पे क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे साइट में देख रहे हैं कि जो लिस्ट डॉट एच टी एम एल फाइल नेम है, और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एच टी में सिटी नेम दिए थे, और जैसे यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है ऑर्डर लिस्ट में 1, 2, 3 यहाँ पे पुणे, मुंबई और दिल्ली यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये ऑर्डर लिस्ट है। जैसे अगर यहाँ पे मैं इसकी भी हाफ स्क्रीन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग साइड बाय साइड देखोगे कि जो भी आप लोगों को प्रोग्राम है यहाँ पे इस साइड में शो होगा, उसका जो आउटपुट यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हुआ ऑर्डर लिस्ट के बारे में। अगर आप लोगों को अनऑर्डर लिस्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में जो ओएल टैग हम लोगों ने जितना किए थे यहाँ पे इसे कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी कर दो और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो। कंट्रोल वी करने के बाद में यहाँ पे ओके जगह पे आप लोगों को यूएल टाइप करना है। यूएल टाइप करने के बाद जैसे यूएल टैग से ओपन किए, इसे यूएल टैग से हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में सेम एज इट इज जैसे ऐसे यहाँ पे रखना है आप लोगों को। कंट्रोल एस करना है, यहाँ पे रिफ्रेश करना है। जैसे आप लोग रिफ्रेश करोगे तो आप लोग डिफरेंस समझ जाओगे। ऑर्डर लिस्ट में जो भी पुणे, मुंबई और यहाँ पे दिल्ली था, यहाँ पे हर एक के ऊपर एक एक नंबर आ गया। जैसे 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, ये नंबर इसके ऊपर आ गए। लेकिन जो अनऑर्डर लिस्ट है यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को बुलेट यहाँ पे शो होंगे। जैसे यहाँ पे डॉट शो हो रहा है ब्लैक कलर में, इसे बुलेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो लिस्ट है अनऑर्डर है, मतलब यहाँ पे बुलेट में आप लोगों को शो हो जाएगा। उसके बाद में जो थर्ड वाला टाइप था हम लोगों का, ये था डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट अगर आप लोगों को यहाँ पे शो करना है तो हम लोग फिर से एंटर कर देंगे। जो ओएल टैग हम लोगों ने कॉपी किए थे फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे जो ओएल टैग है यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे डीएल टैग। डीएल टैग ओपन किए उसके बाद में यहाँ पे डीएल टैग से आप लोगों को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे जो एलआई टैग हम लोगों ने यूज किए थे, अब यहाँ पे एलआई के जगह पे आप लोग टाइप करना है डीटी। तो यहाँ पे जो डीटी है ये टर्म के लिए, आप लोग पॉइंट के लिए यहाँ पे टाइप करना है। उसके अंदर डीटी से हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे एंटर कर देना। एंटर करने के बाद में यहाँ पे हम लोग फिर से एक डीटी टैग में यहाँ पे मुंबई के लिए दे देंगे और यहाँ पे डीटी टैग को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में जो थर्ड वाला पॉइंट है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग बैक पे से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में यहाँ पे जो पुणे हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किए जो डीटी टैग में, अब इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को एक एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है डीडी। तो डिस्क्रिप्शन डिटेल के लिए यहाँ पे टैग ओपन करना है। ओपन कर डीडी टाइप करने के बाद में एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर दो और यहाँ पे फिर से हम लोग एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे और डीडी टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में आप डीडी टैग में आप लोगों को टाइप करना है जो भी डिस्क्रिप्शन आप लोग चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आई एम फ्रॉम पुणे। अब मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद में मुंबई में भी हम लोग टाइप करेंगे। जैसे डीडी टैग जो यहाँ पे हम लोगों ने ओपन किए इसे कॉपी कर देंगे कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी कर देंगे। और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे आई एम फ्रॉम पुणे जो टाइप किया था मुंबई में टाइप करूंगा। यहाँ पे हम लोग बैकपेस करेंगे। बैकपेस करने के बाद में आई एम रिच इन मुंबई, अब टाइप करेंगे। रिच मतलब यहाँ पे मैं पहुंचना है। तो यहाँ पे आई एम रिच इन मुंबई, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद में यहाँ पे हम लोग साइड में क्लिक कर कंट्रोल एस कर देंगे। कंट्रोल एस करने के बाद में यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये पुणे, ये डीटी हम लोगों ने टैग ओपन किए थे। और जैसे डीडी टैग में आई एम फ्रॉम पुणे और जैसे आई एम रिच इन मुंबई यहाँ पे मैंने टाइप किया, तो यहाँ पे शो हो रहा, मतलब उसका पॉइंट सब पॉइंट यहाँ पे शो होगा। जो पॉइंट है उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोग देना तो आप लोग दे सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग थर्ड वन देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम लोगों ने जो टैग यूज किए वो डीएल टैग है। उसके अंदर हम लोग डीडी टैग यूज करेंगे और उसी के अंदर हम लोग डीडी टैग यूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे डीएल टैग हम लोग क्लोज करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कैसे होता है विद प्रैक्टिकल, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, तो यहाँ पे मैंने एक एक एग्जांपल ही आप लोगों को दिया है। इसके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट, अलग अलग वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके रिलेटेड अलग से वीडियो मैं आप लोग लिए इसी वीक में बनाने वाला हूँ। इसी वीक में बना के आप लोग लिए इसी वीक में मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, तो उस वक्त आप लोग देख लेना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। मुझे यही एचटीएमएल लिस्ट के बारे में आप लोगों को बताना जिसमें मैंने आप लोग 3 टाइप्स बताया। फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है, सेकंड अनऑर्डर लिस्ट है और थर्ड वन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, जो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग डिटेल में विद प्रैक्टिकली बताया। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आपके जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी डाउट्स है एचटीएमएल रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।